हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया क्लासेस। आज हम लोग रेशो में आगे बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशो की। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी लिक्विडिटी रेशो की, जिसमें हमने बताया था जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे निकाला जाता है। हम दो रेशो उसमें देखते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशो, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म रेशो भी बोलते हैं। इसे हम लोग लॉन्ग टर्म रेशो भी बोलते हैं। ये रेशो फर्म कैलकुलेट करती है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या फर्म अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को टाइमली पेमेंट कर पाएंगी या नहीं। इसका आंसर देगा सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने से पहले हमें एक चार्ट को समझना जरूरी है, जिससे कि हमें फॉर्मूले बनाने की या लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी, आपने बैलेंस शीट हम सभी ने पढ़ी हुई है। और बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी और एक साइड होता है एसेट्स। और ये हम सभी को पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब लायबिलिटी को अगर हम क्लासिफाई करें तो लायबिलिटी के दो पार्ट हो सकते हैं, एक जिसे हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा जिसे हम लोग टोटल डेप्ट बोलेंगे, टोटल डेप्ट। ठीक इसी तरह से अगर हम एसेट्स को क्लासिफाई करें तो इसके भी दो पार्ट होंगे, एक जिसे हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा जिसे हम लोग करेंट एसेट्स बोलेंगे, करंट एसेट्स। ठीक, ये दो पार्ट हो गए। अब हम ये समझना है कि ये शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो शेयर होल्डर फंड में हमें जो पहली चीज मिलती है नंबर वन, वो आता है शेयर कैपिटल, यानी कंपनी ने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितने कैपिटल इश्यू किए शेयर के फॉर्म में, और वो उसके अंदर दोनों आएंगे, इक्विटी शेयर्स भी, वो इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो प्रेफरेंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। दूसरा जो शेयर कैप शेयर होल्डर फंड में आएगा आपका, वो होगा रिजर्व, और थर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम सरप्लस भी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें आती है हमारी शेयर होल्डर फंड में। तो आगे चलकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई बार शेयर होल्डर फंड की जरूरत पड़ेगी। तो शेयर होल्डर फंड हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमने शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस इन तीनों को ऐड कर लिया तो हमें वैल्यू मिल गई किसकी, शेयर होल्डर फंड की। अब हम बात करेंगे टोटल डेप्ट की। तो टोटल डेप्ट के दो पोर्शन होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, एक जिसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट, और दूसरा जिसे हम शॉर्ट टर्म डेप्ट बोलते हैं, या हम जिसे करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ये दो बिजनेस के जो डेप्ट होते हैं, यानी उधारी होती है, वो दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे और एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे। एक जिसका पेमेंट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलते हैं, और दूसरा जिसके लिए हमें एक साल मिलता है और एक साल के अंदर ही उसका पेमेंट करना होता है, जिसे हम करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेप्ट के नाम से जानते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे पास जो चीजें आती हैं, जिसमें हम डिबेंचर्स को रखते हैं, जिसमें हम लोन फ्रॉम बैंक रख सकते हैं, या बोरोइंग्स को रख सकते हैं। ये सभी चीजें हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट का पोर्शन है, जिनका पेमेंट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर्स में करना है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा शॉर्ट टर्म डेप्ट या हमारा करंट लायबिलिटी, इसके अंदर हमने आपको करंट रेशियो में भी पढ़ाया हुआ है कि करंट लायबिलिटी में हमें क्या क्या मिलेगा। तो करंट लायबिलिटी में हमें ट्रेड पेबल, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी जिसे हम बैंक ओडी कहते हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
ये सभी चीजें हमें करंट लायबिलिटी के अंदर मिलेंगी। तो इन शॉर्ट इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी टोटल लायबिलिटी जो होगी वो दो पार्ट में क्लासिफाई होगी, एक शेयर होल्डर और एक टोटल डेट। अगर आपको कभी क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू पता है, टोटल एसेट्स पता है, और हमें अगर शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से अगर टोटल डेब्ट की वैल्यू पता हो, इसको अगर हमने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर फंड। क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी और एसेट्स दोनों इक्वल पाई जाएंगी। तो अगर ₹10 एसेट्स है तो लायबिलिटी भी हम मान लेंगे ये 10 ही है, और लायबिलिटी के दो पोर्शन होते हैं, एक शेयर होल्डर और एक टोटल डेब्ट। तो अगर टोटल लायबिलिटी 10 है तो उसमें से अगर 7 टोटल डेब्ट है तो शेयर होल्डर फंड कितना होगा, फिर इसमें से इसको माइनस करके ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये ₹3 ही होगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी हमेशा शेयर होल्डर फंड और टोटल डेब्ट को प्लस कर कर ही मिलेगा। ठीक, तो ये हमने ऐसे सॉल्व इसको चार्ट को देखा। अब हम एसेट्स की कैटेगरी में आए अगर, तो एसेट्स में हमें क्या क्या मिल सकता है, तो एसेट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो एसेट्स दो पार्ट में आएंगे, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जिसमें से सबसे पहली चीज आती है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा नॉन करंट एसेट्स का एक पोर्शन है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसे बोलते हैं। ये दो चीजें नॉन करंट एसेट्स में दो चीजें आएंगी, और इन दोनों को प्लस कर कर हमें मिलेगा टोटल नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में आप जब ऐड कर दोगे करंट एसेट्स को तो आपको मिल जाएगा आपका टोटल एसेट्स। ठीक, अब फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएंगे, फिक्स एसेट्स में दो तरह की एसेट्स पाई जाएंगी, एक टैंजिबल नेचर की जिसे आप टच कर सकते हो, सील कर सकते हो। तो टैंजिबल नेचर में कौन कौन सी एसेट्स होती है, जैसे लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एक्सेट्रा। तो ये सब हमारी टैंजिबल नेचर के आइटम है, और कुछ इनटैंजिबल नेचर के भी हमें मिलेंगे जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, सिर्फ इनको फील किया सकता है। तो इनटैंजिबल नेचर में जैसे कि गुडविल बिजनेस का, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब हमारे इनटैंजिबल एसेट्स। तो टैंजिबल और इनटैंजिबल को ऐड किया तो क्या मिला, फिक्स एसेट्स, जो कि पार्ट है किसका, नॉन करंट एसेट्स का, और फिक्स एसेट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट ऐड कर दें तो हमें टोटल नॉन करंट एसेट्स मिल जाएगी, और जब नॉन करंट एसेट्स में हम करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एसेट्स मिल जाएगी। तो इस चार्ट को समझना जरूरी, क्योंकि अगर ये चार्ट हमें समझ में आता है तो आगे चलकर जब भी हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे तो सॉल्वेंसी रेशियो में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, उनको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हमें फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की। अब हम आगे आते हैं करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट रेशियो में इसमें वही चीज है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, बैंक, प्रीपेड, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें हमारी करंट एसेट्स की पार्ट है। तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझना है, क्यों, क्योंकि इस चार्ट के थ्रू ही हम इजीली फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि कभी हमने कहा कि हमारे पास लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म डेब्ट भी है, तो हमें शेयर होल्डर फंड जानना है, तो हमने कहा टोटल लायबिलिटी अगर हमें पता चल जाए तो उसमें से हमने लॉन्ग टोटल डेब्ट माइनस कर दिया तो हमें शेयर होल्डर फंड पता चल जाएगा, या टोटल लायबिलिटी पता है हमें, शेयर होल्डर फंड पता है, माइनस कर देंगे तो टोटल डेब्ट आ जाएगा, और टोटल डेब्ट में से अगर हम शॉर्ट टर्म डेब्ट को हटा दे तो हमें लॉन्ग टर्म मिल जाएगा, या टोटल डेब्ट में से हम लॉन्ग टर्म माइनस कर दे तो हमें शॉर्ट टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग,
जब हमें ये चार्ट याद हो। चलिए सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हमारा जो फर्स्ट रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये रेशियो हमें ये बताता है कि हमारी टोटल कितनी डेप्ट पे कितनी इक्विटीज होनी चाहिए, यानी कि हमने कितना मार्केट से पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और कितना अपनी जेब से पैसा लगाना है। हमेशा जो आइडियल सिचुएशन मानी गई है डेप्ट और इक्विटी की, वो 2:1 है, कि दो डेप्ट पे एक इक्विटी कम से कम होनी चाहिए। यानी बाजार से अगर आप 2 रुपए लेके बिजनेस में लगा रहे हो तो 1 रुपए अपना भी उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन। अगर कभी आपका डेप्ट ज्यादा हो जाए इक्विटी से, 2 से ज्यादा हो जाए डबल से, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे बिजनेस की, और आपकी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की कम हो जाएगी। क्योंकि जितना डेप्ट बढ़ाते जाओगे उतना ही आपकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ेंगे, और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होने लगेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगेगा। इसलिए हमेशा माना गया है कि जो आइडियल सिचुएशन है डेप्ट और इक्विटी के बीच वो होनी चाहिए 2:1, 2 डेप्ट पे 1 इक्विटी। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। ये देखिए, ये जो चैप्टर है या रेशियो है ये अपने फॉर्मूले खुद ही बताते हैं। हम पूछ रहे हैं डेप्ट टू इक्विटी, तो यानी डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट का मींस यहां पर लॉन्ग टर्म डेप्ट से होता है, कभी भी डेप्ट में हम टोटल डेप्ट नहीं लेते, टोटल उधारी नहीं लेनी है और शॉर्ट टर्म लोन्स भी नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट लेने हैं, लॉन्ग टर्म वो ले। फिर नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मींस जो होगा वो शेयर होल्डर फंड से होता है, इसे प्रोप्राइटर फंड भी हम बोलते हैं, ठीक। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। पीछे चैप्टर्स में मैंने अभी अभी आपको चार्ट बना के दिखाया कि जिसमें शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, टोटल डेप्ट का एक पोर्शन होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट और एक पोर्शन होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट, जिसमें से डेप्ट में हमें कौन सा लेना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट लेना है। तो अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट हम कैसे और निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि टोटल डेप्ट में से अगर हम अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे, टोटल डेप्ट मतलब व्यापार की बिजनेस की कुल उधारी, टोटल लोन जितना है उसमें से शॉर्ट टर्म वाला हटा दो, करंट लायबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म डेप्ट, इसे हम शॉर्ट टर्म डेप्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको अगर मैंने माइनस कर दिया तो जो बचा वही तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हुआ, तो वो ले लिया। सेकेंड है इसी का दूसरा फॉर्मूला, कि जिसे अगर हम डिटेलिंग में कहें कि लोन फ्रॉम बैंक, यह भी लॉन्ग टर्म डेप्ट का पोर्शन है। पब्लिक डिपॉजिट, जितना हमने लोगों से पैसा अपने पास रखा हुआ है। बोरोइंग्स जो है, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारा पार्ट है किसका, लॉन्ग टर्म डेप्ट का, ठीक। अब बात आती है कि इक्विटी किसे कहें, तो इक्विटी के लिए जिसे हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं इक्विटीज को, वो कैसे निकालें। एक तरीका तो है कि सीधा सीधा ले लें कि शेयर कैपिटल, उसमें से प्लस कर दिया रिजर्व, प्लस कर दिया सरप्लस यानी प्रॉफिट, और अगर कभी लॉस होगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये तीनों को ऐड करके भी हमें शेयर होल्डर फंड मिल सकता है। या एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम एसेट्स अप्रोच बोलते हैं, इसे हम एसेट्स अप्रोच बोलते हैं। इसमें हमें सबसे पहले वर्किंग कैपिटल लेना है। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जब आप करोगे तो आप वर्किंग कैपिटल मिलेगा WC, और वर्किंग कैपिटल में हम ऐड कर देना नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, अभी अभी चार्ट में बताया था, जहां पे हम फिक्स एसेट्स लेते हैं और इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जिसमें टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। तो नॉन करंट एसेट्स में जब वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देगा लॉन्ग टर्म डेट्स, तो मुझे क्या मिल जाना है, तो हमें मिल जाएगा शेयर होल्डर फंड, ठीक। तो ये हुआ हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी में हमारा जो सेकंड रेशियो होगा वो होगा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, ठीक। अब टोटल एसेट्स पे हमें ये निकालना है कि टोटल एसेट्स पे ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा कि टोटल एसेट्स पे कितनी डेप्ट होनी चाहिए, डेप्ट का मीन्स फिर से लॉन्ग टर्म डेप्ट से। तो फॉर्मूला बनता है टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, डेप्ट मींस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, देखिए इसको दो तरह से हम देखते हैं। कभी कभी हमसे पूछा जाता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, या कभी कभी इसी रेशियो को हमें कह देता है डेप्ट टू टोटल एसेट्स, डेप्ट टू टोटल एसेट्स। अगर आपसे वो डेप्ट टोटल एसेट्स टू डेप्ट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट,
और अगर वो पूछ रहा है डेप्ट टू टोटल एसेट्स, तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स, तब हो जाएगा डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक, ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो फिलहाल टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, ये हमारा रेशियो का फॉर्मूला हुआ। अब डेप्ट का मतलब यहां लॉन्ग टर्म डेप्ट से। अब क्वेश्चन आता है कि ये टोटल एसेट्स कैसे है, तो टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स कैसे आएगा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। जब आप बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स को प्लस कर दोगे करंट एसेट्स में, अब नॉन करंट एसेट्स क्या है, ये अभी अभी हमने चार्ट में बताया, जिसमें हम फिर से अगर डिटेलिंग पढ़े नॉन करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की, तो नॉन करंट में हमारा आता है फिक्स एसेट्स और प्लस इन्वेस्टमेंट, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक, अब फिक्स एसेट्स में फिर से वही दो कहानी हो जाएगी, टेंजेबल और इनटेंजेबल। फिक्स एसेट्स में फिर से दो चीजें, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल के अंदर जिन एसेट्स को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, वो सभी टेंजेबल फिक्स एसेट्स हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट्स, लैंड, फर्नीचर, ये सब टेंजेबल। और जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारा इनटेंजेबल है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये सब हमारे इनटेंजेबल एसेट्स हो जाएंगे। तो फिक्स एसेट्स और प्लस इन्वेस्टमेंट को ऐड किया तो हमें क्या मिला, नॉन करंट एसेट्स। पीछे अभी हमने बताया नॉन करंट में जब हम करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे, यानी कि जो भी हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स है, ठीक, तो हमारा टोटल एसेट्स आ जाएगा। या टोटल एसेट्स को निकालने का एक और तरीका होता है लायबिलिटी अप्रोच से, कि शेयर होल्डर फंड, क्या शेयर होल्डर फंड ले लो आप, उसके अंदर अभी अभी पीछे बताया था डेप्ट, वो इक्विटी निकालते समय रिजर्व, आपका शेयर कैपिटल, आपका सरप्लस, इन तीनों को ऐड करके हमें शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। और उसमें हमें ऐड कर देना है टोटल डेप्ट, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के डेप्ट होंगे। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो भी हमें मिल जाएगा अपना टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, या इसको हम डेप्ट टू टोटल एसेट्स भी बोलेंगे, या बोल सकते हैं जब डेप्ट टू टोटल एसेट्स होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। वैल्यू सारी सेम निकलेंगी जैसे हम यहां देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रेशियो है सॉल्वेंसी में हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, और इसे हम परसेंटेज में नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। ये दो रेशियो क्या बताएंगे, कि ये बताता है कि हमारी ओनरशिप कितनी है पहले रेशियो में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। क्यों किया, क्योंकि हमें रिजल्ट परसेंटेज में चाहिए। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, ये अभी आप दो टॉपिक्स में देख चुके हो दोनों बार। टोटल एसेट्स कैसे आएगा, अभी अभी मैंने बताया, तो इसलिए इसके सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, बाकी इसमें नया कुछ हमें नहीं मिलता है। अब आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि हम अपनी डेप्ट पे किस रेट से और कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसके बारे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी हमें यहां पे वो प्रॉफिट लेना है जिसमें हमने टैक्स और इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया हो, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, यानी ऐसा इंटरेस्ट जो हमें पे करना ही करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, वो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हमें लेने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाए, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए आपको नॉर्मली क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है, टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन हो आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट में, उसमें सबसे पहले आप हमेशा ऐड करोगे टैक्स की वैल्यू। सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे, टैक्स की वैल्यू, और टैक्स की अमाउंट को जैसे ही आपने ऐड किया, देन उसके बाद आप ऐड करते हो इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट। ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, कभी भी हम पहले इंटरेस्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमने डिडक्ट किया है उसी सीक्वेंस में हम माइनस करेंगे, जिसको हमने पहले डिडक्ट किया उसको सबसे बाद में माइनस करेंगे, और जिसको लास्ट में डिडक्ट किया प्रॉफिट निकालने के लिए उसको सबसे पहले डिडक्ट करेंगे, प्लस करेंगे। तो इंटरेस्ट की अमाउंट इसमें हम प्लस कर देंगे, और जो वैल्यू हमें मिलेगी
वो होगी हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इसीलिए लिखा भी गया है बिफोर टैक्स, टैक्स पहले ऐड करना है फिर इंटरेस्ट को ऐड करना है, और टोटल फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस को जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिल जाएगा, जो कि हमें यह बताएगा कि फर्म अपने टोटल डेब्ट पे, लॉन्ग टर्म डेब्ट पे किस रेट से और कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की या टर्नओवर रेशियो की। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और आगे के लिए देखते रहें। थैंक यू।